काम पर कितने टाइम में जा रहा है तू? दीदी बस थोड़ी देर में ही जा रहा हूँ काम पर। अच्छा चल सही है। दीदी आपने रोटी बांध दी मेरे लिए? नहीं भाई मैंने रोटी नहीं बांधी, वो क्या है ना घर में राशन खत्म हो गया इसलिए मैंने आज रोटी नहीं बनाई। क्या दीदी घर का राशन खत्म हो गया? हाँ भाई राशन खत्म हो गया। अच्छा दीदी तो फिर 2-3 दिन ऐसे ही घर चलाना होगा। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, तू कहाँ से लाएगा पैसे, मालिक तो अब तुझे पैसे देंगे नहीं। हाँ दीदी मैं इसलिए ही कह रहा हूँ 2-3 दिन घर ऐसे चलाना होगा अपनों को। भाई तू फिक्र मत कर मैं ऐसे ही घर चला लूंगी, तू ना अब काम पर चला जा बिना टेंशन के। ठीक है दीदी, वैसे कोई ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं है? हाँ भाई हम गरीब लोगों को ना ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हमें कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती। हाँ दीदी ये सब तो है, वैसे आपकी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ भाई पढ़ाई तो अच्छी चल रही है मेरी। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो मुझसे बता देना। ठीक है जरूर बता दूंगी, वैसे मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी बोलो। वो ना मुझे एक प्राइवेट नौकरी मिल रही है, अगर तू गए तो मैं हाँ कर दूँ? नहीं दीदी मैं इस चीज के लिए कभी भी राजी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ एक सरकारी नौकरी लगे तुम्हारी और प्राइवेट नौकरी ना करूँ। हाँ भाई मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो हमारी जिंदगी की थोड़ी परेशानियाँ खत्म होंगी। दीदी ये सब तो ठीक है पर अभी मैं मरा नहीं हूँ जिंदा हूँ, जो तुम मेरे होते हुए काम करोगी मैं चला रहा हूँ ना घर का खर्चा। हाँ भाई मुझे पता है तुम दोनों का खर्चा उठा रहा है, लेकिन मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है तेरा खर्चा उठाने की और पढ़ाई की, और वैसे भी तू भी छोटा है यही तो उम्र है तेरी पढ़ाई लिखाई की। दीदी आप पढ़ तो रही हो, आप पढ़ो या मैं पढ़ूं बात तो एक ही है। भाई तू मेरी एक भी बात नहीं सुनता, मैं ना तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं जैसा बोलूंगी ना तू वैसा ही करेगा। दीदी आपकी बात सही है पर मैं आपकी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, मेरा क्या है मैं तो मजदूरी कर ही अपना पेट पालूंगा। भाई तू मेरे चक्कर में अपना बचपन और जिंदगी क्यों खराब कर रहा है, अब मैं पढ़ तो ली बहुत, अब बारी तेरी है पढ़ाई करने की और जिंदगी बनाने की। दीदी आप मेरी बात नहीं समझ रही, अगर आपकी नौकरी लग गई तो सोचो आपको लोग कितनी इज्जत देंगे। हाँ भाई मैं जानती हूँ तेरा सपना, लेकिन हम ना गरीब हैं, हम लोगों को ना अपनी औकात से सपने देखने चाहिए। दीदी हम सपने क्यों नहीं देख सकते, हम सपने देखेंगे भी और जरूर पूरा करेंगे। भाई हम अमीर लोगों की बराबरी नहीं कर सकते, उनके पास तो पैसा होता है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, भला हमें बिना पैसे के कौन देगा सरकारी नौकरी। बस इतनी सी बात दीदी, आपको बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। भाई वो बात नहीं है। दीदी तो क्या बात है, मैं आपको नौकरी पर देखना चाहता हूँ, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। ठीक है अगर तू यही चाहता है तो मैं सरकारी नौकरी पर जाऊंगी। पक्का ना दीदी, आप सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, और मैं इतनी मेहनत करूंगी जो नौकरी ना मुझे मेरी मेहनत से मिले। ये हुई ना दीदी बात, यही तो मैं सुनना चाहता था। सुन ली ना तूने ये बात, अब तू जल्दी से ना खेतों पर चला जा, बहुत टाइम हो गया हम लोगों के बातें करते हुए। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, मुझे जाना होगा खेतों पर। ठीक है भाई अब तू जा। मालिक मैं आ गया काम पर, आप मेरा नाम चढ़ा दो। हाँ ठीक है मैं तेरा नाम चढ़ा दूंगा, वैसे तूने ना इस महीने पूरी 5 छुट्टी मारी है। हाँ मालिक मैं अपनी बहन का पेपर दिलवाने गया था तो इसलिए मैं काम पर नहीं आया। क्या तेरी कोई बहन भी है? हाँ मालिक एक मेरी बहन है और वो बहुत पढ़ाई करती है, उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। अरे फिर तो बहुत सही है, फिर तो तू अमीर बन जाएगा हमारी तरह। हाँ साहब और मैं ना गरीब लोगों की मदद करा करूँगा। वैसे तेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, तुझे भरोसा भी है कि तेरी बहन की नौकरी लग जाएगी? हाँ साहब मुझे पूरा भरोसा है, अपने आप से भी ज्यादा। चल अच्छी बात है, तुझे इतना भरोसा है तो अपनी बहन पर, वैसे मेरा जो कर्ज है तू उसे तो चुका देगा ना?
हाँ साहब, मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा ब्याज समेत। बस एक बार मेरी बहन की नौकरी लग जाए। अरे लग जाएगी नौकरी भी, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? हाँ साहब, मेरी बहन की नौकरी तो लगी जाएगी, मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब जा और जाके खेतों में काम कर ले। ठीक है साहब, मैं खेतों में काम कर लेता हूँ। ठीक है जा, और काम ना ध्यान से करना। अरे इसकी कोई जवान बहन है? मुझे तो पता ही नहीं था। खैर अब मुझे पता लग गया उसके बारे में, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। भाई आ गया तू? हाँ दीदी, मैं तो आ गया। पर आपकी पढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? हाँ भाई, मैं तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ। वैसे तूने तो अपना काम अच्छे से किया है ना आज खेतों में? हाँ दीदी, मैंने तो खेतों में काम अच्छे से किया, पर ये सब क्यों पूछ रही हो आप मुझसे? अरे वो ना, आज तो कुछ खा के नहीं गया था, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अरे दीदी, आज तुम्हें कैसे फिक्र हो रही है मेरी? मुझे तो आदत पड़ गई है रोज भूखा रहने की। अच्छा तू ना यहाँ बैठ, मैं ना पड़ोस से चावल मांग के लेके आई थी, मैं तेरे लिए चावल लेकर आती हूँ, तू उन्हें खा लेना। दीदी मैंने आपसे मना करा था ना, पड़ोस वाले से कुछ भी मांग कर मत ला करो, वो हमारे बारे में गलत सोचते हैं। कोई बात नहीं भाई, समझने दे, कम से कम इससे तुझे भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा ना। क्या दीदी तुम भी? अरे अब तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ, तू ना जल्दी से खा ले। मैं तो खा लूंगा दीदी खाना, पर आपने खाया नहीं। मैंने खा लिया भाई, तू मेरी फिक्र क्यों कर रहा है? सच कह रही हो ना दीदी? हाँ मैं सच कह रही हूँ, अब मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, तू खाना खा ले। दीदी मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है भाई तू चला जा, लेकिन शाम को थोड़ा जल्दी आना। ठीक है दीदी, मैं काम पर से जल्दी आ जाऊँगा। कुछ दिक्कत है क्या? हाँ भाई कुछ काम था, इसीलिए तो तुझसे कह रही थी। क्या काम था दीदी बोलो। अरे तू शाम में जल्दी आएगा ना, तभी बता दूंगी मैं तुझे। ठीक है दीदी। ठीक है। कपिल है क्या घर पे? वो तो घर पे नहीं है, दुकान पर गया है। जैसे आप कौन? अरे वो ना कपिल मेरे खेतों में काम करता है, मैं उसका मालिक हूँ। अच्छा साहब आइए ना बैठिए। वैसे साहब वो तो सुबह ही खेतों के लिए निकल गया था, अभी वो खेतों पर नहीं पहुँचा क्या? अरे वो ना आज मैं खेतों पर नहीं गया, मुझे नहीं पता वो खेतों पर गया है या नहीं, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा साहब, मैं साहब मुझे बता सकते हो? जैसे ही वो शाम को आएगा मैं उससे बता दूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम उसकी बहन हो, मैं तुमसे बता सकता हूँ। जी मालिक बताइए ना। अरे वो ना तुम्हें तो पता ही है,
तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और वो 2 लाख रुपए ना मुझे वापस चाहिए। मुझे ना प्रॉपर्टी लेनी है। क्या साहब, आपको पैसे वापस चाहिए? लेकिन अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब तुम्हें पैसे तो वापस करने पड़ेंगे, जब मजबूरी है तभी तो मांग रहा हूँ, वरना मैं कभी नहीं मांगता। मैं तेरे भाई की तनख्वाह में से हर महीने काट लेता। मालिक, हम दोनों पर रहम खाइए। अभी ना मेरा भाई बच्चा है, उसके बस की नहीं है इतना कर्जा उतारना। अच्छा, तो मेरे पास ना एक रास्ता है, अगर तुझे सही लगे तो उससे तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। अच्छा साहब, क्या रास्ता है बताइए। अरे ज्यादा कुछ नहीं, मेरी ना एक छोटी सी बात है, तू उसे मान ले, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे ना एक अच्छी जिंदगी भी दूंगा। क्या मतलब साहब? मतलब इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है जितना तू सोच रही है, समझ जा। साहब, आप हमारी गरीबी का इस तरह फायदा उठाओगे क्या? अरे मैं सही तो कह रहा हूँ, इसमें ना हम दोनों का फायदा है। चुप रहो और चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देख, तू ना ज्यादा ही जबान चला रही है, या तो तू चुपचाप से मेरी बात मान जा, वरना मैं तेरे भाई को मार दूंगा और तेरा जो ये घर है ना अपने नाम करवा लूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। चल ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा कुछ, मैं ना तुझे कुछ टाइम दे रहा हूँ, सीधे सीधे मेरे पास आ जाना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दीदी, क्या हुआ आपको? और कुछ दिनों से उदास भी हो तुम, और पढ़ाई भी नहीं कर रही हो। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब थी कुछ दिनों से इसलिए। नहीं दीदी, आप कुछ बात छुपा रही हो। नहीं, मैं कुछ बात नहीं छुपा रही हूँ तुझसे। क्या दीदी, सच कह रही हो आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चल अब ये सब छोड़, अब तू ना अंदर जाके आराम कर ले। ठीक है दीदी। कैसे बताऊं अपने भाई को, मेरी जिंदगी में कितनी मुसीबत आ पड़ी है। अरे कहाँ जा रही है? मालिक, तुम यहाँ? हाँ मैं, तुझे क्या लगा मैं तुझे भूल जाऊंगा? मालिक, हम बहुत गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो। अरे तुझे क्या पता, गरीबों के साथ ही तो मजा आता है उन्हें परेशान करने में। साहब कुछ तो रहम कीजिए हम पर, हमारे सर पे तो पहले से ही माँ बाप का साया नहीं है और ऊपर से आप हमें परेशान कर रहे हो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पहुँचता इन सबसे, मैंने ना तुझे टाइम दिया था, मैं तो शाम तक का टाइम मोड़ दे रहा हूँ, या तो सीधे सीधे मेरे पास आ जा वरना मैं खुद आ जाऊंगा तेरे पास। साहब भगवान के लिए हम बकस तो। चुप कर, अब एक भी शब्द नहीं, जा यहाँ से। ए भगवान, तूने ये मुझे किस मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया, अब मैं अपने भाई की जिंदगी बचाऊं या अपनी इज्जत? मैं अपने भाई को मरते हुए भी नहीं देख सकती और ना ही अपने साथ गलत होते हुए देख सकती। बस अब मेरे पास एक ही रास्ता है। दीदी, दीदी, ये आपने क्या कर लिया? मैं आपके बिना नहीं जी सकता दीदी। भाई तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर पाई। मैं क्या बताऊं, कुछ बात ही ऐसी हो गई थी जिस वजह से मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। साहब आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने ना अपने पैसे वापस लेने के लिए बोला। जब मैंने साहब से कुछ टाइम मांगा पैसे वापस देने के लिए, तो वो बोलने लगे या तो तू अपने भाई की जान दे दे या फिर अपनी इज्जत। भाई मैं मरना तो नहीं चाहती थी, मुझे दुनिया में अभी बहुत कुछ देखना था।
लेकिन भगवान ने मेरी जिंदगी में ऐसे दो रास्ते लाकर खड़े कर दिए जिनकी कोई राह नहीं थी। खैर भाई, मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू अपना सपना ज़रूर पूरा करे। मुझे लगता है भगवान ने मेरी ज़िंदगी शायद यहीं तक लिखी थी। भाई तू मुझे माफ़ कर दे, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। दीदी आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, एक बार मुझसे भी तो बता सकती। दीदी जिस इंसान की वजह से आपकी जान गई है ना, मैंने उस इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी ना, तो मैं भी आपका भाई नहीं। अरे कौन हो तुम और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्यों, मौत को इतना करीब देखकर तुझे इतना डर लग रहा है? हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे ना भी जिंदगी जीनी है। क्यों, दुख हो रहा है ना तुझे मरने का? सोच तूने कितने लोगों की जिंदगी खराब की है और कितनों को मजबूर किया है मरने पर। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है और ना ही किसी की जान ली है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो सुन, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों मारना चाहता हूँ तुझे। हाँ बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुझे याद है वो लड़की जिस पे तू अपनी गंदी निगाह रखता था? तेरी वजह से उस लड़की की जान चली गई। वो तो मेरे खेतों में काम करने वाले नौकर की बहन थी, लेकिन उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वही हूँ जिसकी बहन को तूने मजबूर किया था मरने के लिए। क्या तू वही है? लेकिन तू इतना बड़ा गुंडा कैसे बन गया? मैं ऐसा बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे रास्ता चुनना पड़ा। देखो मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती की मुझे सजा मत दो। मरना तो तुझे पड़ेगा, अब मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, अब तैयार हो जा मरने के लिए। You already know. We run.